वेलकम बैक टू द फंक्शन गाइस। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्राम में प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद एग्जीक्यूट होता है, वो जो ऑर्डर होता है एग्जीक्यूशन का, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा फंक्शन का, जब आप उसे कॉल करते हो तो हर फंक्शन के कॉल होने में दो स्टेटमेंट यहाँ पर यूजली हम लोग बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन को कॉल करता है। एंड द सेकंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन, ये वो डेफिनेशन होती है जो कॉल होती है, यानी जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपका एनकाउंटर होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो फंक्शन डेफिनेशन आपकी एग्जीक्यूट होती है, यानी कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो होता क्या है कि जब आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो उस डेफिनेशन के लिए, उस फंक्शन डेफिनेशन के लिए जहाँ पे आपका फंक्शन हेडर होता है, वहाँ पे वो उसके लिए एक फ्रेम क्रिएट करता है। उस फ्रेम के अंदर उसके सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और फंक्शन कॉल होने पर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से आपका कंट्रोल ट्रांसफर होके चला जाता है फंक्शन डेफिनेशन में और वहाँ जाके वो उसको पूरा एग्जीक्यूट करता है। तो विद इन द फंक्शन एग्जीक्यूशन फ्रेम द स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड एंड विद द रिटर्न स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन बॉडी द कंट्रोल रिटर्न्स टू द स्टेटमेंट फ्रॉम वेयर फ्रॉम द फंक्शन वॉज कॉल्ड। तो रूल ये होता है कि फंक्शन एक बार कॉल हुआ, उसने पूरी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया, डेफिनेशन एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर वापस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में चला जाता है। तो फंक्शन जहाँ से कॉल होता है ये उसी लोकेशन पर अपना रिटर्न होकर चला जाता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन वन, ये मेरा मेन फंक्शन है जो कॉल होगा। फंक्शन वन के अंदर मैंने कॉल कर दिया फंक्शन टू, और फंक्शन टू के बाद मैंने एक और मैसेज दे दिया रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन वन, और यहां दे देते हैं कॉलिंग फंक्शन वन। तो ऐसे ही हम लोग यहां पर दो और बना लेते हैं, दो और फंक्शंस इसी वे में डिफाइन कर देते हैं। इसमें नाम दे देते हैं फंक्शन टू का, और यहां पे हम फंक्शन थ्री कॉल करते हैं, और यहां पर दे देते हैं फंक्शन थ्री का रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन थ्री आ जाएगा, यहां पर कॉलिंग फंक्शन थ्री आ जाएगा, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन टू आ जाएगा कॉलिंग फंक्शन टू, और यहां पर ऐसा हो गया। तो देखिए, यहां पे हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा इस प्रोग्राम का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन जो पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, वो यहां से हमेशा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट होने से पहले ये सारी चीजें कंपाइल जरूर हो चुकी होती हैं, बट एग्जीक्यूशन आपका फंक्शन वन से ही स्टार्ट होगा। ये आपका मेन प्रोग्राम है जो आपका एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप स्पेस छोड़ें, विदाउट स्पेस भी ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप फंक्शन वन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन वन पे जाएगा जंप कर, और फंक्शन वन के पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कॉलिंग फंक्शन वन, और कॉलिंग फंक्शन वन के बाद इसे सेकेंड फंक्शन मिलेगा यहाँ पर कॉल होता हुआ, जो कि यहाँ पर है फंक्शन टू। तो फंक्शन टू जो है वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलिंग फंक्शन टू। कॉलिंग फंक्शन टू के बाद आपने फिर यहाँ पर फंक्शन थ्री आपने कॉल किया, फंक्शन थ्री में आके बोल देगा वो कॉलिंग फंक्शन थ्री, और फिर उसके बाद रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन थ्री। तो अभी क्या हुआ, आपने फंक्शन वन कॉल किया, फिर वहां से फंक्शन टू कॉल हुआ, फिर वहां से फंक्शन थ्री कॉल हुआ। जब आपका फंक्शन थ्री कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा? तो देखिए, इसके लिए रूल ये होता है कि फंक्शन जिस जगह से कॉल होता है वो उसी जगह रिटर्न होके जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन थ्री जो है वो आपका, क्योंकि फंक्शन टू के अंदर से कॉल हुआ था, तो ये फंक्शन थ्री जो होगा वो रिटर्न होकर फंक्शन टू के अंदर ही आएगा, और ये जो
रिमेनिंग जो स्टेटमेंट था रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन टू, ये इसे एग्जीक्यूट करेगा और इसे एग्जीक्यूट करते ही आपका फंक्शन टू का जो एग्जीक्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फंक्शन टू क्योंकि आपका कॉल हुआ था फंक्शन वन के अंदर से, तो फंक्शन वन में ये रिटर्न होके जाएगा और इसका जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन वन, ये इसे एग्जीक्यूट करेगा। और फाइनली ये जो फंक्शन वन था वो आपका मेन से कॉल हुआ था, तो ये रिटर्न होकर मेन फंक्शन में जाएगा। और यहाँ पे मैंने फाइनली लिख दिया प्रिंट एंड। तो चलिए जरा इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये देखिए ये आ गया है सारा, और इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, और अब देखिए इसको देखिए सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग फंक्शन वन, उसके बाद कॉलिंग फंक्शन वन के बाद चला गया था फंक्शन टू में कॉलिंग फंक्शन टू, उसके बाद चला गया था कॉलिंग फंक्शन थ्री, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन थ्री होगा, उसके बाद ये गया वापस बैक टू फंक्शन टू और रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन टू, उसके बाद गया वापस बैक टू फंक्शन वन रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन वन, और उसके बाद फाइनली मेन में आकर उसने एंड प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो कॉलिंग ऑफ फंक्शन था, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। और यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि फंक्शन जहां से कॉल होता है वो रिटर्न होकर आपको वहीं मिलेगा, वहीं वो जाता है रिटर्न होकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होकर किस दूसरे सब फंक्शन या मेन फंक्शन में जाएगी।